हेलो एवरीवन, तो आज हम सिंगर सिलाई मशीन का रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये सिंगर सिलाई मशीन का बॉक्स हम लोग पहले ओपन करेंगे और देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोगों को मिल जाता है। तो ये हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं अभी। मैं भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या हम लोगों को मिलता है। तो जल्दी से ओपन कर लेते हैं इसको। हम वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए हम लोग थोड़ा स्किप कर करके वीडियो को बना रहे हैं। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया है। ये बॉक्स के अंदर थर्माकोल के अंदर अच्छे से सील करके उन्होंने हम लोगों को दिया हुआ है। तो ये सबसे पहले बैलेंस व्हील निकल के सामने आया है, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा ये कहाँ लगता है और इसका काम क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट वर्क करता है ये हमारे सिलाई मशीन में। तो ये देखिए 2 साल का वारंटी भी हम लोगों को मिल जाता है इसके साथ। ये बैलेंस व्हील है और देखते हैं और इसके अंदर क्या क्या मिल जाता है। तो ये हम लोगों ने इसको ओपन कर लिया और इसके अंदर हम लोगों को एक बॉक्स मिला है। बॉक्स के अंदर हम लोगों को बहुत सारे चीज़ मिल रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों को बॉबिन मिला है, ये कवर एक मिला है और ये देखिए बहुत सारा बॉबिन है इसके अंदर। और ये छोटे बॉक्स के अंदर नीडल है और स्क्रू ड्राइवर है और स्पूल पिन जो होता है जिसके अंदर हम लोग धागा को स्टैंड करते हैं वो है, और वो जो रेड कलर का है छोटा छोटा वो स्पूल पिन के नीचे लगता है ताकि धागा अपने जगह पे अच्छे से घूम सके। इसलिए अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में दिक्कत होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम लोग उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बना के आप लोगों को हेल्प करने का कोशिश करेंगे। तो ये बॉक्स, ये छोटे से कागज़ के अंदर, एक्चुअली बॉक्स है छोटा सा एक कागज़ का, उसके अंदर नीडल्स हैं इसी के, और हम लोगों को इसके अंदर रेंज भी मिल जाता है वो नट वगैरह टाइट करने के लिए। ये देखिए ये एक टेप भी मिला है हम लोगों को इसके साथ। तो सब मिला के इस बॉक्स में हम लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है। ये इसके अंदर एक ऑयल भी मिला है हम लोगों को ऑयलिंग करने के लिए, इससे मशीन को अच्छे से ऑयलिंग करना होता है ताकि मशीन बहुत सॉफ्टली चले और अच्छे से चले और बहुत दिन तक चले। तो देखिए ये ऑयल का डब्बा भी बहुत क्यूट सा है। और ये देखिए ये रेंच है, इससे नट वगैरह टाइट करने के काम में आता है। ये हमारे मशीन में जहाँ जहाँ नट लगा हुआ है वो उसी हिसाब से उसमें वो बना हुआ है, मतलब आप इसी रेंच से आपका हर सिलाई मशीन का हर एक नट टाइट हो जाएगा, आपको अलग से कोई रेंच की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए ये मैं आपको बॉबिन्स निकाल के दिखा रहा हूँ, ये देखिए, और स्पूल पिन है, बॉबिन है, एक स्पूल पिन नीचे गिर गया, उठा लेते हैं उसको हम लोग। तो देखिए ये स्पूल पिन बॉबिन, तो ये सब इस बॉक्स के अंदर हम लोगों को मिला है। तो और देखते हैं और क्या है इसके साथ, ये बॉक्स है, इसी बॉक्स के अंदर हम लोगों को सब कुछ मिला हुआ है। तो और ये हमारा मेन सिलाई मशीन, देखिए अभी हम लोग कवर हटा के दिखाते हैं आपको। और ये पहले आप लोग देख लीजिए, ये बॉबिन विंडर है, ये बॉबिन में सूता लपेटने के काम में आता है, ये बैलेंस व्हील के ठीक ऊपर लगता है थोड़े से बाएं साइड में, इससे हम लोग बॉबिन में सूता को भरते हैं, काफ़ी इजीली भर जाता है। और ये हमारा सिलाई मशीन है, ये हम लोगों ने कवर हटा दिया है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं सिंगर का सिलाई मशीन। और देख लीजिए ये कपड़ा जो नीचे लगा हुआ है ये अप्रूवल के लिए है, और ये व्हील इसके साइड में लगता है, हम लोग आपको दिखा रहे हैं ऐसे करके।
तो अब हम लोग सेकेंड पार्ट में चलते हैं, लोअर पार्ट में चलते हैं। हमको लोअर पार्ट में ये सबसे पहले हम लोग को बोर्ड मिल जाता है जिसके ऊपर हमारा सिलाई मशीन रहता है। और वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो जाए इसलिए हम लोग स्किप कर करके थोड़ा जल्दी वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों को और भी किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग का सपोर्ट का बहुत ही ज़रूरत है हम लोगों को। हम लोगों ने जस्ट न्यूज़ चैनल चालू किया हुआ है तो फिर आप देखिए रिव्यू में हम लोगों को और क्या मिल जाता है। ये हमारा पैडल है लोअर पार्ट में जिसपे हम लोग प्रेशर दे के व्हील को घुमाते हैं। ये पैडल है और इसके ऊपर भी सिग्नेचर सिंगर का सिंगर लिखा हुआ है। हाँ इसके ऊपर भी सिंगर लिखा हुआ है तो बहुत ही अच्छा से उन्होंने पैकेजिंग करके उन्होंने दिया हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका पैकेजिंग। और देख लेते हैं और इसके अंदर क्या है। ये स्टैंड है जिसके ऊपर बोर्ड खड़ा रहता है। दोनों साइड का ये दो स्टैंड है और ये व्हील है इसका जिसमें वो जिससे ऊपर का बैलेंस व्हील घूमता है। और ये व्हील का कवर है, ये व्हील का कवर है और वो जो बीच का जो पार्ट होता है आखिर में वो है। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा।